हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि प्लास्टर का रेशियो आपको क्या रखना है। अगर आप अपने घर में प्लास्टर करवा रहे हैं, अंदर करवा रहे हैं तो क्या रेशियो होगा, बाहर करवा रहे हैं तो क्या रेशियो होगा। अगर आप घर के बाहर ग्रूव बनवा रहे हैं, ग्रूव मीन्स कह सकते हो एक तरह से कोई डिज़ाइन, कोई लाइनिंग बनाना है प्लास्टर के बीचों बीच में, जो करीब 1 इंच चौड़ी हो या फिर 10 mm चौड़ी हो या फिर अंदर थोड़ी सी गहरी हो, 5-10 mm गहरी हो, तो इसको कहते हैं ग्रूव। तो ग्रूव बनवाना हो तो कैसे करें, डिज़ाइन कोई बनवानी हो तब कैसे, कौन सा प्लास्टर आपको रेशियो रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको मिलानी है उसमें। 1:4 का रेशियो लो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि 1:4 का रेशियो लो, तो 1:4 का रेशियो है क्या? देखो, 1 हो गया सीमेंट, अब 4 क्या हुई? आप बोलो, सोचो आप, क्या 4 क्या है? डस्ट है, मोरंग है, सैंड है, क्या है? 4 मतलब सैंड। प्लास्टर के लिए यूज करें तो सैंड ही लोग यूज करते हैं, आप पढ़ोगे भी तो सैंड ही पढ़ते हो कि 1:4 का रेशियो प्लास्टर में यूज करना चाहिए। और लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकल देखा है तो 1:4 का रेशियो लगभग शायद 80% लोग ही यूज करते होंगे। लेकिन यूज करो, मैं बताऊँ कहाँ पे यूज करना है 1:4 का रेशियो, लेकिन 1:4 का रेशियो आप कभी भी नॉर्मल प्लास्टर में मत यूज करो, ये ध्यान रखना। आपको रेशियो क्या यूज करना है, रेशियो आपको यूज करना है 1:1:3 का। अब ये क्या हो गया 1:1:3, 1 हो गया आपका सीमेंट, 1 हो गया आपका डस्ट, जो ये आपको दिख रही डस्ट कह लो या फिर मोरंग हो, जो आपके यहाँ मिलती हो मोरंग भी यूज कर सकते हो, और 3 हो गया आपका सैंड, जिसको आप रेत या बालू बोलते हो। तो ये रेशियो आपको नॉर्मल, मतलब जो भी नॉर्मल बजट वाले लोग हैं वो अपने घर में नॉर्मल यही प्लास्टर यूज करवाएं। इससे क्या है, डस्ट या मोरंग मिलने से थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो जाती है। 1:4 का खाली सैंड का जो प्लास्टर होता है ना, उसमें दिक्कत ये है, आप हाथ से ही रगड़ना शुरू कर दो वो प्लास्टर निकलता रहेगा, आप रगड़ते हो जाओ वो प्लास्टर निकलता रहेगा, कितना भी अच्छा प्लास्टर कर दो उसको, कितनी भी अच्छी क्योरिंग कर दो। लेकिन वो 1:4 प्लास्टर किस कंडीशन में कहाँ पे यूज करूँगा ये मैं लास्ट में बताऊँगा, ये चीज़ ज़रूर ये आपको ध्यान रखना है। 1:1:3 हमेशा 80-90% 1:1:3 का यूज करो। अगर आपको नॉर्मल पुट्टी करानी है तब ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप वॉल पे सोच रहे हो कि हम POP कराएंगे तब आप ये रेशियो मत यूज करना, तब आप रेशियो यूज करो 1:2:4, 1:2:2 का। अगर आप सैंड यूज कर रहे हो तो 1:2:2 मतलब 1 सीमेंट हो गई, 2 डस्ट या मोरंग हो गई और 2 आपकी रेत हो गई। इससे फ़ायदा क्या होता है यार, थोड़ा सा मिस्त्री को काम करने में भी आसानी हो जाती है इस रेशियो में। 1:4 में तो और भी आसान होता है, जितना रेत होगी उतनी अच्छे से मिस्त्री काम कर लेगा, उतनी अच्छे से फिनिशिंग दे देगा। लेकिन आपको फिनिशिंग नहीं चाहिए, फिनिशिंग क्यों आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने घर में POP करवाऊंगा बाद में इस प्लास्टर के ऊपर, ठीक है। पुट्टी में आप फिनिशिंग नहीं कर सकते, पुट्टी में आपको प्लास्टर में ही फिनिशिंग करनी होगी, ये बात ध्यान रखो। तो इसलिए मैंने कहा अगर पुट्टी करानी हो तो 1:1:3 का रेशियो यूज करो, क्योंकि 3 आपकी सैंड है तो वहाँ पे मिस्त्री जो आपका होगा वो फिनिशिंग प्लास्टर की अच्छे से कर लेगा, साउथ सूथ में भी कर लेगा, और आपके प्लास्टर की फिनिशिंग भी अच्छी हो जाएगी। आपको खाली पुट्टी लगानी है और पेंट लगाना और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप 1:2:2 का रेशियो यूज करते हो तो आपका प्लास्टर क्या होगा, रफ निकलेगा, गंदा होगा, मज़ेदार नहीं आएगा, देखने में भद्दा लगेगा और एजेस उसकी अच्छी नहीं आएंगी। लेकिन आपको रफ है तो POP आपकी अच्छे से उस पर पकड़ हो जाएगी, क्योंकि POP कराना हो तो लोग झाड़ू तो खैर लगाते हैं, हल्की फुल्की जो है उस पर गंदगी कर देते हैं। लेकिन अगर ये रेशियो यूज करते हो तो ये प्लास्टर भी मजबूत रहेगा आपका, अच्छा स्ट्रेंथ होगी प्लास्टर की सैंड और उसकी डस्ट और मोरंग की वजह से, और आपकी POP की पकड़ भी इस पर अच्छी होगी रफनेस की वजह से। थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप खाली रेत नहीं यूज कर रहे हो, खाली डस्ट यूज कर रहे हो, 1:4 का रेशियो अगर यूज कर रहे हो, खाली उसमें कोई भी रेत नहीं है, 1 सीमेंट हो गई और 4 आपकी डस्ट हो गई या फिर मोरंग हो गई, डस्ट में क्या होता है, डस्ट का जो खाली डस्ट का प्लास्टर होता है वो होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये होती है वो बहुत ही रफ होता है। उसको आप अगर बाहर कराओगे तो बाहर आप भाई POP तो करना नहीं, एक्सटीरियर में घर के बाहर POP तो कर नहीं सकते, बेकार हो जाएगी, वहाँ पुट्टी करोगे। तो आप अगर 1:4 का रेशियो यूज कर रहे हो, खाली डस्ट का रेत नहीं मिलाते हो, तो उसके घर के अंदर यूज करो। इससे क्या होगा, एक तो स्ट्रेंथ प्लास्टर आपका बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, पकड़ उसकी ईंट से अच्छी हो जाएगी, और उस पर आप POP कराना हो या फिर पुट्टी तो करनी, सॉरी अगर डस्ट है तो POP आपको करानी पड़ेगी, पुट्टी नहीं करा सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। आप 1:4 का और भी रेशियो है, लेकिन इसमें क्या है, इस रेशियो में ये कोई डस्ट नहीं है, 4 जो है ये है मोरंग। मोरंग मीन्स, अब अगर दिल्ली NCR साइड तो मोरंग नहीं दिखती है मुझको, कि अगर आप लखनऊ कानपुर साइड जाते हो,
इस साइड पूरा अगर कहीं भी जाओगे आपको मोरंग, मोस्टली लोग मोरंग ही यूज करते हैं उस साइड, डस्ट कम लोग प्रेफर करते हैं। तो मोरंग में क्या है, मोरंग छान के तब उसको जो है प्लास्टर के लिए यूज किया जाता है। तो मोरंग में अच्छी ये है कि उसका प्लास्टर अच्छा निकलता है, स्मूथनेस होती है। डस्ट का प्लास्टर क्या रफ होता है क्योंकि उसमें जो है कर्सर होता है, एक तरह से ईंट को मतलब जो आपके पत्थर होते हैं उनको कर्सर करके बनाया जाता है डस्ट। मोरंग क्या होता है, नेचुरल तरीके से बनती है, तो इसके जो दाने होते हैं पत्थर के वो गोलाई में होते हैं, स्मूथ होते हैं। तो प्लास्टर करना आसान होता है इसमें, और हल्की सी इसमें रफनेस भी होती है, लेकिन रफनेस वो ऐसी नहीं होती जैसे कि डस्ट वाले प्लास्टर में होती है। डस्ट वाले प्लास्टर में क्या, रफनेस अप डाउन होती है, कोई पत्थर बाहर कंकड़ बाहर निकल रहा है, कोई हल्का दब रहा है, टेढ़ा मेढ़ा टेपर जा रहा है, वो गंदा लगता है। लेकिन मोरंग प्लास्टर देखने में फिनिश होता है, रफनेस होती है, लेकिन वो हल्की सी गड्ढे गड्ढेदार रफनेस होती है इसमें। तो इसमें क्या है, आपको पीओपी करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आप पुट्टी से भी काम चला सकते हो, पुट्टी बहुत अच्छे से इस पर वर्क करती है। अगर आप एक चार का रेशियो ले रहे हो खाली मोरंग का, और अगर आप कभी लखनऊ कानपुर साइड के हो तो आप लोग जानते हो वहाँ रेत कोई भी यूज नहीं करता है, रेत मोस्टली दिल्ली एनसीआर के साइड के लोग ज़्यादा यूज करते हैं, उस साइड खाली मोरंग ये डस्ट ही लोग यूज करते हैं, डस्ट तो खा रहे हैं, उस साइड खाली मोरंग, प्लास्टर में कोई रेत नहीं यूज करता उधर। और वाकई में वहाँ का प्लास्टर जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी अच्छा फिनिश होता है अगर ढंग से कोई करने वाला मिस्त्री है तो। यहाँ पे क्या करते हैं लोग दिल्ली एनसीआर साइड में, यहाँ पे रेत करते हैं, रेत से क्या होता है वो अपनी कॉस्ट बचाते हैं, लेबर जल्दी काम करती है, रेत से क्या होता है हाथ बहुत तेज़ी से चलता है उनका, और फटाफट काम करते हैं, और जो भी फिनिशिंग होती है बहुत ही अच्छी निकल के आती है, तो देखने वाले को लगता है हाँ यार बहुत अच्छी फिनिशिंग की है। लेकिन उसको ये पता गया रेत की वजह से उसका प्लास्टर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये होनी चाहिए कि लोग ये सोचते हैं बहुत अच्छी फिनिश दे दी है तो बहुत अच्छा प्लास्टर हो गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चार के रेशियो का कहाँ पर यूज करोगे अगर खाली रेत आपने यूज की है तो, ना कोई डस्ट है ना कोई मोरंग है, खाली सैंड है, खाली बालू है इसमें। इस प्लास्टर को जैसे ये आप ग्रूव देख रहे हो ना एलिवेशन में, अगर आपको कहीं ग्रूव देना हो या फिर कोई ऐसी डिजाइनिंग देनी हो जिसमें आपको फिनिशिंग वर्क ज़्यादा कराना हो, तो वहाँ पे बेशक आप एक चार का रेशियो यूज करो, बेफिक्र होगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप डस्ट या मोरंग का यूज कर सकते हो करते हो तो आप उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं दे सकते हो। फिर आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, कितनी पुट्टी लगा लो, खींच लो बाहर, वो फिनिशिंग नहीं आएगी। जो एक चार के रेशियो में अगर सैंड आप रेत यूज कर रहे हो तो उसमें जितनी फिनिशिंग अच्छी निकल के आएगी वो किसी और रेशियो में नहीं आ सकती है फिनिशिंग। लेकिन हाँ ये है कि मजबूती आप देख लो या फिर फिनिशिंग देख लो, आपको ये चॉइस करना है कि आपको फिनिशिंग चाहिए या फिर मजबूती चाहिए। मजबूती अगर अंदर के लिए चाहिए तो आप बेशक आप एक एक तीन का रेशियो रख लो, एक दो दो का रेशियो रख लो, लेकिन एक हमने बताया कंडीशन भी आप देख लो, यहाँ पे पूरा प्रॉपर मैंने मेंशन कर दिए हैं। एक एक तीन का अगर रेशियो है तो आपको पुट्टी यूज कर सकते हो, पीओपी भी यूज कर सकते हो, लेकिन पुट्टी से भी काम चल जाएगा, अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। एक दो दो के रेशियो अगर आप लेते हो तो इसमें क्या है, पुट्टी आपको नहीं, आपको यहाँ पीओपी करना कंपलसरी है अंदर साइड में, या अंदर की मैं घर के अंदर की बात कर रहा हूँ। और अगर एक चार का खाली डस्ट आप यूज करते हो घर के अंदर या बाहर, तो बाहर मत यूज करो एक चार का रेशियो, क्योंकि बाहर में फिनिशिंग आप नहीं ला सकते एक चार के डस्ट के रेशियो में। एक चार का अंदर रेशियो यूज करो, उसमें पीओपी आप कराओ तब आप फिनिशिंग करो। और एक चार का मोरंग का आप यूज कर रहे हो तो आप अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी यूज कर सकते हो, पुट्टी भी कर सकते हो, पुट्टी बाहर भी कर सकते हो, पीओपी भी अंदर कर सकते हो, लेकिन पीओपी बाहर कर नहीं सकते, तो आप पुट्टी से काम चलाओगे, मोरंग में ही प्लस पॉइंट हो जाता है। और खाली आपको आपको ग्रूव देना है, फिर कोई डिजाइनिंग बनवानी है प्लास्टर से, तो आप खाली रेत का यूज करो एक चार का, तभी आप बेटर है, आपकी फिनिशिंग तभी अच्छे से निकल के आएगी। तो ये मैं शायद मेरी बात शायद आपको पसंद आई हो, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा हो, देखा लगा बुरा लग रहा हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि करवाना आपको काम है, मुझे नहीं। मैंने बता दिया जो चीज़ जैसे अच्छी होती है, किस कंडीशन में क्या चीज़ अच्छी होती है, तो आपको जैसा लगे आप यूज कराओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा काम खाली बताना है, काम आपको करवाना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी, सॉरी नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो वॉल पुट्टी और वॉल पीओपी के ऊपर होगी। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कौन सा बेटर होता है, कौन सा ख़राब होता है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।